ऑल इंग्लिश एक्सरसाइजेस है वो सॉल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की खूबसूरती। वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंडशिप दोस्ती, गिफ्ट तोहफा, सॉल्ट बेचा, फार ग्रेटर कहीं ज्यादा, गोल्ड सोना। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइसलेस अनमोल, बात खरीदा, वैल्यू कद्र कीमत, माउंटेन पहाड़, कोल्ड सर्द ठंडा। अब नेक्स्ट हमारे पास है लाइफलेस बेजान, हेयर सुनना, पावरलेस नातवा, लिसन सुनना, एयर कान। फिर कंफर्ट आराम, हेल्पिंग हैंड मदद की का हाथ, सेंस बेचता है, पर्ल्स मोती, रियल हकीकी, सी देखना, ट्रबल तकलीफ, टीयर खुशी, हर्ट दिल, और अंडरस्टैंड समझना, रीच आउट पहुंचना, थैंकफुल शुक्रगुजार, डायमंड हीरे, रिच दौलत, ट्रू फ्रेंड सच्चा दोस्त। आंसर इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट फ्रेंडशिप इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, इट इज फार मोर वैल्यूएबल एंड कॉस्टली देन डायमंड्स, पर्ल्स एंड रिच्स। Why can't we buy friendship? We can't buy friendship because it's a priceless thing which cannot be bought or sold. Why does the poet gives no importance to gold in stanza number 2 and 3? In stanza number 2 and 3, poet does not give any value to gold because he thinks that gold is cold and lifeless. It can't much in difficult it can't help you much in difficult time, but friendship brings comfort in the hardship of life. नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। व्हाट शुड वी आस्क फॉर अल्लाह फॉर फ्रॉम अल्लाह एज अ गिफ्ट? अल्लाह से हमें क्या मांगना चाहिए? वी मस्ट आस्क फॉर द लव ऑफ रियल एंड ट्रू फ्रेंड्स फ्रॉम अल्लाह एज अ गिफ्ट, जो कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से हैं। डू यू लाइक दिस पोम? इफ यस गिव रीजंस। अगर आपको ये पोम पसंद आ गया है तो फिर इसकी रीजंस वजूहात बता दे। तो वजूहात मैंने लिखी हुई है। आई लाइक द पोम बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप विच इज मोर प्रीशियस देन पर्ल्स एंड डायमंड्स। ये इसलिए अच्छा है, ये इसलिए मैं लाइक करती हूँ इस पोम को, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप को बता देती है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है पर्ल से और डायमंड से भी ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कॉलम ए कॉलम बी, प्राइसलेस वेरी कॉस्टली, प्रीशियस रिच ट्रेजर, लाइफलेस हैविंग नो लाइफ, पर्ल्स जेम, वैल्यू वर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल थिंकिंग में गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स विद जस्टिफिकेशन अबाउट द पोम। आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है शायद उसमें मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, सो काइंडली उसमें चलिए जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइटिंग स्किल्स। In this stanza, the poet tells us that gold is a lifeless thing which cannot be seen or heard. It is helpless to give comfort in the time of trouble. फिर हमारे पास स्टेंजा नंबर 3 आ जाता है। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट द गोल्ड हैज नो ईयर्स, गोल्ड के कान नहीं होती हैं कि वो हमें सुने, एंड नो हार्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, और इसके पास दिल भी नहीं होता कि हमें समझे। इट कैन नॉट गिव यू एनी कम्फर्ट और हेल्प व्हेन यू आर इन अ ट्रबल, और वो आपको जो है ना, जब आप ट्रबल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो ये आपकी मदद नहीं कर सकता ज़्यादा। राइटिंग स्किल्स आ जाता है स्टेंजा नंबर 4। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में पोएट ये कह रहा होता है कि जब भी whenever we pray to Allah Almighty, जब भी अल्लाह से हम pray करें for our betterment, हमारी बेहतरी के लिए, to welfare, we should not pray for wealth, हम जो है ना wealth के बारे में वो pray ना करें, पर्ल्स के बारे में, diamonds, but we should always pray for true and sincere friends, हमेशा ये दुआ करें कि हमें जो है ना एक sincere friends मिले, और always helpful to men and wealth cannot do as so. तो यही बात है कि हमें जो है ना वेल्थ नहीं मांगनी चाहिए, हमें जो है ना फ्रेंड्स मांगने चाहिए। सो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी इफ ही ग्रांट्स अस सिंसियर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग वेल्थ। हमें जो है ना अल्लाह ताला से जो है क्या होनी चाहिए, थैंकफुल होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें जो है ना एक सच्चे दोस्त हमें अता किया है या करेगा। मुझे तो किया है अल्हम्दुलिल्लाह से, 3-4-5 ऐसे दोस्त हैं मेरे जो आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट हमारे पास समरी आ जाता है।
ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सिंपल पोम है। ये फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो सो यू कैन आस्क मी। ठीक है, वही बातें रिपीट हुई हैं कि गोल्ड इस तरह है और फ्रेंड्स इस तरह है। ठीक है, बस इतनी ही समरी आप लोगों ने भी एग्जाम में लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, यूज डिक्शनरी टू फाइंड मीनिंग ऑफ द वर्ड। इस डिक्शनरी को यूज करें और इनके मीनिंग फाइंड आउट करें। अब देख ले, फ्रेंडशिप फर्स्ट जो है वो फ्रेंडली आ जाता है, लास्ट फ्रेंच है। ठीक है, फिर फ्रेंडशिप, फ्रायर, फ्रीज, फ्रीग, फ्रीगेट, फ्राइट, फ्रील, फ्रीली, फ्रेंच, एनीथिंग। ठीक है, वैल्यू है वैलेंटाइन, फिर वैल्यू, वैलोरियन, वैलेट, वेलगस, वैलेट है। आप लोग जो है ना, मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है अलहदा है, द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चीयर है, या फर्स्ट जो है ना चेकरमैन, और लास्ट जो है शेफ है। फिर चेकआउट, चेक, चीप, चीयर, चीज, चीज क्लॉथ, चीता, समथिंग जस्ट लाइक, देन आ जाता है ट्रबल। ठीक है, इसी तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, राइट डाउन सम मेटाफोर्स टू डिस्क्राइब फ्रेंडशिप। मेटाफोर्स लिखें ताकि फ्रेंडशिप को डिफाइन कर सकें। फ्रेंडशिप इज अ रेनबो। रेनबो तो फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन उसमें जो है डिफरेंट कलर से एक साथ है, तो फिर उसको जो है ना एज अ कलर दे दिया है कि ये भी फ्रेंडशिप है। ठीक है, फ्रेंडशिप इज अ प्रेशियस डायमंड। फ्रेंडशिप खुद ही डायमंड है, डायमंड की जरूरत ही नहीं है। फ्रेंडशिप इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग भी है। ठीक है, फ्रेंडशिप इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। फ्रेंडशिप जो है ना, इसकी जो वैल्यू है वो गोल्ड से ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसी ही है। फ्रेंडशिप इज अ ट्रेजर ऑफ लव एंड अफेक्शन। फ्रेंडशिप जो है एक खजाना है प्यार का, मोहब्बत का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, इसमें जो है नंबर वन हर्ड है, फिर नंबर टू पंच है, फिर बैंड है, फिर गैलेक्सी है, फिर हिप्स है। ठीक है, आप लोग जो है ना शिप के साथ जो है हर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जूसी ग्रेप्स बंच को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगर्स के साथ बैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि द हर्ड ऑफ सिंगर्स, नहीं, द बैंड ऑफ सिंगर्स। ठीक है, ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जिसको आप लोग जो है ना टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं अंदर से। जैसे कि फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को आप लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन जो है ना दोस्ती होती है। विक्ट्री, फतह को कि कोई देख तो नहीं सकता, लेकिन होती है, आप उसके बारे में टॉक कर सकते हैं। एडमायरेशन, चाहना, ठीक है, ये होती है, लेकिन आप देख नहीं सकते। क्रिएटिविटी, ठीक है, करेज। नेक्स्ट हमारे पास जो है अंडरलाइन द मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स जो है जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे भी, जैसे कि कॉटन ड्रेसेस हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, और मार्बल ब्लॉक्स हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, तो ये मटेरियल नाउन्स हो गया। यूज दिस नाउन्स इन योर सेंटेंसेस। हम जैसे कि बैंड है, क्लब है, फ्लॉक है, कंपनी है, कल्चर है, ये इनको जो है ना अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया है, सो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट हमारे पास जो नाउन्स है, प्राइड, सैम्पथी, सीमेंट, ठीक है, इसको भी वही कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, इसके वर्ड्स मीनिंग को देख लेते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, शेट, साया, सेम, नजर आना, वार्म्थ, जोश, इनफाइनाइट, लामहदूद। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल्स, अफराद, विजडम, दानाई, मिजरी, कमबख्ती, वैल्यूज, इकदार, ठीक है, ब्रदरहुड, भाईचारा, प्रोबेबली, गालिबन, ट्रिक, सख्त, मेकअप, कमी दूर करना, ऑफर पेश करना, जेनरेशन, नस्ल, अफेक्शन, प्यार, अनकंडीशनल, गैर मशरूत, क्रिएट, तख्लीक करना, ग्रैंड चिल्ड्रन, नवासा, नवासी, एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या जाता है, सिंबल्स, अलामत, पेशेंस, सबर, कोऑपरेशन, ताउन, हार्डशिप्स, मुश्किलात, और अनकाइंड पेरे हैं। पेरेंट, परवरिश करना, ठीक है, लुक अप, नजर उठाना, इनसाइड आउट, मुकम्मल तौर पर, सेक्रेट राज, इंटरेस्ट, सपोर्ट करना, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, बेकन, मनारा, नूर, गाइडेंस, रहनुमाई, सजेशन, मशवरा, रिवील, अशकार करना, वैल्यूएबल, काबिल कदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ट्रेडिशन, रिवायत, रिवरेंस, एहतराम। अब जो क्वेश्चन इन आंसर है, आंसर इन क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वेन डू ग्रैंड पेरेंट्स फील द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। सारी बात है, जब उनके नवासा नवासी उनके पास होंगे, तो फिर वो जो है ना हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, अब इसी बात को जो है ना आप लोगों ने इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, द ग्रैंड पेरेंट्स फील द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड व्हेन दे स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन।
How can they help their grandchildren in tackling the problem of this world? हम कैसे ठीक है ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इस दुनिया में वो कैसे हेल्प कर लेते हैं दे कैन हेल्प देयर ग्रैंड चिल्ड्रन इन टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड बाय गिविंग देम अ पीस ऑफ एडवाइस एज दे हैव फेस्ड ऑन द हार्डशिप्स एंड हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ अब चूंकि उसके पास एडवाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं नसीहतें बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके पास तजुर्बात भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो उनको नसीहत कर देते हैं कि ये आपने ये करना है ठीक है क्योंकि वो उस स्टेज से गुजर चुका है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन कीपिंग अ फैमिली यूनाइटेड आप एक फैमिली को यूनाइटेड रखना आजकल बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है हर किसी के पास इतने टैलेंट नहीं है वो इसलिए क्योंकि जो है ना ग्रैंड पेरेंट्स को आजकल जो है ना एक ओल्ड एज हाउसेस में छोड़ दिया जाता है इस वजह से ग्रैंड पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग द फैमिली टुगेदर बाई नॉट लेटिंग देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन टू लीव देयर लाइव्स इन आइसोलेशन अब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो जो है ना एक तो अपने बच्चों को आइसोलेट सेपरेट देखना नहीं चाहते वो कहते हैं कि ये लोग हमेशा एक साथ रहें ठीक है इफ देयर इज एनी क्लैश और क्वारल अमंग द चिल्ड्रन द ग्रैंड पेरेंट्स stepped forward and removed the confusion from through their wisdom वो अपने दानाई की से जो क्लैशेस होती हैं जो लड़ाई होती हैं चिल्ड्रन के दरमियान वो उसको दूर कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर ग्रैंड पेरेंट्स ट्रीटेड इन अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली ठीक है इन अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली द ग्रैंड पेरेंट्स आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस दे आर कंसल्टेड नियरली इन एवरी मैटर दे आर पेड ड्यू ऑनर इन रिमूविंग एनी कन्फ्यूजन इन द फैमिली वाई आर वी लूजिंग कॉन्टैक्ट विद ग्रैंड पेरेंट्स ड्यू टू द मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न डॉक्ट्राइन एंड अनअवेयरनेस ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स वी आर लूजिंग कॉन्टैक्ट विद ग्रैंड पेरेंट्स ठीक है इसी वजह से नेक्स्ट हमारे पास जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन मैंने ये चूज कर लिया है ठीक है आप लोग देख लीजिएगा नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द रोल ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स इन योर फैमिली माय ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ वाइटल रोल इन माय फैमिली दे यूनिटी अमंग द फैमिली इज बिकॉज ऑफ देम दे हैव अ ड्यू कॉन्टेक्ट विद एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली दे डू नॉट लेट एनी मेंबर ऑफ द फैमिली टू गेट एंग्री विद वन अनदर दे ऑलवेज एडवाइस आवर पेरेंट्स टू बी लविंग एंड काइंड दे ऑलवेज टेल्स अस द गुड मैनर्स एंड adequate of life. They also advise us how to lead a plan and a happy life. ठीक है तो ये लोग इस तरह के कामें कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ सिंपल यूनिफाइड पैराग्राफ ऑन एनी टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ में मैंने लिख लिया है इसमें सपोर्टिंग डिटेल्स टॉपिक सेंटेंस इसमें प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस सब कुछ है सो आप लोग देख लीजिएगा नेक्स्ट हमारे पास जो है write down some distinct and trick things of your own choice high tie by count moist highest beer fair cheers ye blow wagaira ye jo hai na kya hai ये डिफ्टंग्स एंड ट्रिफ्टंग्स हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है यूज डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स नेक्स्ट जो वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास वार्म्थ है इनफाइनाइट है लुकअप है इनसाइड आउट है वार्म्थ नॉट वेरी कोल्ड ठीक है ऑर्डर ये आप लोग देख लीजिएगा ठीक है एक्टिविटी नेक्स्ट आ जाती है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नंबर वन व्हेन जमील स्लीप्ड ऑन द स्टेप्स ही फेल डाउन दे कैट सीटिंग देयर डिनर नाउ ठीक है ये कंप्लीट हो चुका है सर काइंडली आप लोग देख लीजिएगा आइडेंटिफाई प्रोनाउन एंड प्रेसिडेंट एग्रीमेंट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट है ये भी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है एनालाइज द सेंटेंसेस एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द आंसर ठीक है वी बाय टिकट्स फॉर द हॉकी मैच जो ये सिंपल सेंटेंस है We bought tickets for the hockey match. Next हमारे पास है who hockey is a fast game and fans clap with the excitement. ये compound sentence है. Next हमारे पास है hockey players are careful but still they often get hurt. ये compound है. Players obey the rules or they receive penalties. आप लोग इसको comment section में मुझे बता दीजिएगा या कि मेरी दूसरे video में जाके देख लीजिएगा कि ये compound है या कि क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है हॉकी इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ये सिंपल सेंटेंस है नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वर्ड्स मीनिंग रोल किरदार सोसाइटी माशरा हेल्थी सेहतमंद इमेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जदोजहद
हिस्सा कंसिडर्ड समझ जाता था। डिप्राइव, महरूम होना, पॉलिटिकल सियासी स्फेयर, दायरे खार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम। स्टिल अभी तक रिवेल्स दोहराई है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क शोबे, इक्वल बराबर, हायर एजुकेशन, आला तालीम, ड्यूअल रोल, दोहरा किरदार। ठीक है, दोबारा किरदार भी कह सकते हैं, अनलेस जब तक असिस्टेड मदद के, रिस्पेक्ट एडवाइजर, राइट्स, हुकूक, पैराडाइज, जन्नत, एम्फेसाइजेस, जोर देना। इंटीग्रल पार्ट, लाजमी हिस्सा और मोटिवेटिंग फोर्स, तरगीब दिलाने वाली कुवत, प्रॉस्पेरस, खुशहाल, इम्पोर्टेंस, अहमियत, ड्यू प्लेस, जायज़ मकाम। ठीक है, रिस्पेक्ट, इज्जत, इंटीरियर, कमतर, सोशल, सामाजिक, वित्तीय सरगर्मियाँ, लिमिटेड, महदूद, वीकर, कमजोर, हिस्ट्री, तारीख, रिमोट, फास्ट, माजी, बैद, ब्रेव, बहादुर, वार, जंग। प्रैक्टिकल लाइफ, अमली जिंदगी, अपॉर्चुनिटीज, मौके, मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया, कम्युनिटी, माशरा, इनक्रेज, हौसला अफजाई की, मैन फोल्क, आदमी, स्टेटस, हैसियत, वेरीली, हकीकत में, इनफ, काफी, प्रेस्टिजियस, इज्जत वक़ार, इम्प्रूव, बढ़ना, स्टेडीली, बतदरीज, टैलेंट, फितरी सलाहियत, डेवलपमेंट, तरक्की, स्टेट्स बयान करता है। एजुकेशन, तालीम, इकोनॉमिक्स, इकतसादियात, एंटाइटल, हक रखना, ऑब्जर्वेंट, फर्स्ट नास, अर्बन एरिया, शहरी इलाके, प्रीवियसली, सबका, आर्म फोर्सेस, अफवाज, सर्विसेज, खदमात, रूरल एरियाज, देहाती इलाके, स्कर्सिटी, किल्लत, और टू चाहे, हस्बैंड, खावन, फीस भरना और पढ़ना। ठीक है, पढ़ाना, पढ़ना, ब्रिंग अप, परवरिश करना, इंपॉर्टेंट, अहम, बिजनेस, कारोबार, वैल्यूएबल, काबिल कदर, मेजर, पेमाइश, प्रमोशन, तरक्की, स्टेप्स, इकदाम, इलिटरेसी, नाखवानदगी, स्प्रेड फैलाना, फैलाना, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, प्रोवाइड, मुहैया करना, टेक पार्ट, हिस्सा लेना, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, फिल्ड, शोबे, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, पॉलिटिक्स, सियासत, वेजेस, उजरत, फैक्ट, हकीकत, प्रोफेशन, पेशे, फिट, मौजो, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतजामी, सिचुएशन, सूरत हाल, अनचेंज्ड, गैर तब्दील शुदा, प्रोफेशनल, पेशेवर, कंट्रीब्यूशन, हिस्सा, फैमिली, खानदान, फ्रेंड, तरबियत देना, इंसॉल्वेंट, हल करने में, प्रॉपर्टी, जायदाद, मैटर्स, मामला, कंसल्टिंग, मशवरा, रिकॉर्ड, सिलसिला, कंक्रीट, ठोस, एलिमिनेट, दूर करना, ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, अवेयरनेस, आगाही। अब आंसर इन क्वेश्चंस आ जाती हैं, व्हाई अ मैन इज कंसिडर्ड एज ए व्हाई अ वोमेन इज कंसिडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें जो है ना, आप लोगों को सिर्फ 3 से 4 लाइन ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, वो वुमेन इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी बिकॉज हर रोल इज ऑफ मल्टी डायमेंशंस। वो बहुत सारी कामें कर लेती हैं, शी ब्रिंग्स अप द चिल्ड्रन, ट्रेंस देम एंड मेक्स देम द यूजफुल सिटीजन्स ऑफ सोसाइटी। बहुत बड़ी बात है, जो बच्चों को परवरिश देता है और फिर उसको ट्रेन कर लेता है, तरबियत देती है कि वो एक बेहतरीन और फायदेमंद सिटीजन साबित हो माशरे के लिए। दे वर्क बोथ एट होम एज वेल एज आउटसाइड, घर में भी काम है, बाहर भी काम है, वो कर लेते हैं। इसी वजह से जो है ना, वट वॉज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द पास्ट, हिस्ट्री टेल्स दैट इन रिमोट पास्ट वुमेन वर एज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव एज मैन। हाउ आर वुमेन प्लेइंग देयर रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड? द वुमेन आर प्लेइंग देयर रोल इन डिफरेंट फील्ड्स, दे आर वर्किंग एज अ टीचर्स एंड डॉक्टर्स, नॉट ओनली दिस बट दे आर वर्किंग इन पुलिस, आर्म फोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, हाईलाइट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इस्लामिक सोसाइटी। इस्लामिक सोसाइटी गिव्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन टू वुमेन, वट मेजर्स आर टू बी टेकन टू To increase the participation of women to our society, promotion of female education and elimination of illiteracy among the women are the important measures which are to be taken in this regard. Next आ जाता है, choose the correct option. ये मैंने choose कर लिया है, so kindly आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 3 paragraphs on role of women in our society, ये भी मैंने कर लिया है, आप लोग कर लीजिएगा। Next हमारे पास है application to your principal for re-admission in school, ये भी आप लोग check कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 sentences by putting comma after an introductory phrase, ये देखें, ये 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 ये। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, फॉर बीइंग लेट, लेट की वजह से ही वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द क्लास, वो उसको इजाजत नहीं मिली कि वो क्लास में बैठ सके। नेक्स्ट हमारे पास है
find out more nouns with one meaning in the singular but two meanings in the plural and use them in your own sentences. है हाँ, डेट है, फिर डेट्स है, फिर डेट्स है, ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा. एक डेट जो है ना, डेट ऑफ बर्थ हो जाती है, ठीक है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, एक तारीख हो जाती है, एक डेट्स होती हैं. यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स, ठीक है, ये प्लूरल में यूज़ हुआ है, डेट्स एक डेट्स हो जाती हैं.